क्या गलती है इस पार्टी का, क्या करना चाहते हैं, ये एक दो लफ्ज में मैं कहना चाहता हूँ। पार्टी तो हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन पार्टी जब सत्ता में आते हैं, सत्ता अपने खुद भलाई के लिए, सत्ता में जो आते हैं उनकी भलाई के लिए काम सरकार को इस्तेमाल करते हैं। सरकार जो है सब लोगों का है, और जो सत्ता में आते हैं उनको अमानत है, हमारे तरफ से काम करने के लिए मौका दिए जाते हैं, लेकिन वो उसको उस जो अवसर को वो जो मौका मिलता है उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। सब लोगों के तरफ काम करने के लिए किसी को MLA बनाते, किसी को मंत्री बनाते, लेकिन जो कुर्सी पे बैठता है अपनी जो जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप खुद के लिए सरकार की पूरी ताकत को अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। पूरी आवाम के लिए सरकार काम करना चाहिए, ये हमारा सोच है। और जब तक सियासी में बदल नहीं आता, ये सरकार की काम करने के तरीके में भी बदलाव नहीं आता। सियासत सरकार को चला दे, किस काम के लिए सरकार की पैसा इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, किसके फायदे के लिए काम करना, ये सारे चीज सियासत बताती है। सरकार एक ऐसा चीज है जो मुर्दा है, उसको जिंदा देने वाला सियासत, और जिंदा देने वाला सियासत सरकार कैसे काम करना वो बताती है। हम ये चाहते हैं सरकार सही लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए काम करना बहुत ही जरूरी है, और जब तक ये काम सरकार नहीं करता तब तक सियासत में बदलाव नहीं आता। सियासत आवाम के लिए चलना चाहिए। आजकल क्या होता, पॉलिटिशियन लोग सब लोग को पैसा दे के वोट खरीदते हैं, वोट खरीद कर जो कुर्सी पे बैठता है, जो तख्त पे आता है, वो अपने लिए नहीं अपने फायदे देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचना बंद करते हैं। हम आज राजी करना है कि हमारे वोट किसी को देखने का बेचने का नहीं है, हमारा वोट जो काम करेंगे उसको देंगे, लेकिन जो वोट खरीदने के लिए आएंगे उनको कभी हमारा वोट नहीं देंगे। जब बेचेंगे तो वोट हम गुलाम बन जाएंगे, जब हमारा वोट एक हक जैसा इस्तेमाल करेंगे तो हम सरकार से पूछकर हमारा काम हम डिमांड कर सकते हैं। जो पैसा हमें चुनाव के वक्त देता है वो कोई काम का भी नहीं है, दो दिन अगर काम करेंगे तो वो पैसा हमें मिल जाएगा। ऐसे पैसों के लिए मुफ्त हमारा वोट किसी को क्यों दे रहा है, जो काम करते उसी को वोट देना चाहिए। ये सब लोग सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करना, यही हम सोचते हैं। हम हमारे लिए सरकार नहीं चाहते हैं, आवाम के लिए सरकार चाहते हैं, इसीलिए हमारा नाम है जन समिति, आवाम की समिति है। तो ये सब लोग आप समझिए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, यहाँ पे आप तेलंगाना जनसमिति है, तो ये सोच समझ कर तेलंगाना जनसमिति, हम सब लोग तेलंगाना की मूवमेंट में काम किए, तहरीक में काम किए, आंदोलन में शामिल थे, तेलंगाना का आंदोलन। लेकिन जब तेलंगाना आंदोलन हो गया, हम ये सोचा जो पार्टी पावर में आएंगे, सरकार बनाएंगे, वो पार्टी सबके लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए अब हम ये चाहते हैं, हमें सियासत में बदलने के लिए हमारा पार्टी तेलंगाना आवाम समिति हमने बनाया, और आप सब लोग को विनती करते हैं ये बदलाव के लिए सब मिलेंगे, काम करेंगे, सरकार के साथ साथ हम सब लोग फायदा मिलना चाहिए, इसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये विनती आप सब लोग याद रख लीजिए, और सबके लिए काम करने के लिए तेलंगाना जनसमिति को और भी मजबूत बना दीजिए। शुक्रिया। మన అధికారిక అకౌంట్ తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ, దానికి అందరు కూడా సబ్స్క్రైబర్స్గా కావాలి, దాన్ని ఆదరించాలని కోరుతున్నాను.